चलो एक दो बात देख लेते हैं भाई, उसके बाद ही देखेंगे। ओहो, काम भी रहेगा और कहीं भी जाके पता करना, उसके बाद आना। क्या चाहिए बेटी? छुरी चाहिए। क्या काटना है? सब्जी, घास, लकड़ी काटनी है क्या? एक ही बार में काम हो जाना चाहिए। ये लो। छुरी में बहुत दम है बेटी, और धार करना है क्या? हाँ, और तेज कर दीजिए। सब ठीक है ना? बैठिए 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 बैठिए, बैठ के बात करते हैं। हाँ बैठिए। क्या हाल है चेलादुरे भाई, क्या फैसला हुआ बातचीत करके? हम सब तो आपका भाई शेखर को ही चुने हैं भैया। अरे छोड़िए ना, बिना किसी वारिस वाले घर में शादी करके सिर्फ दौलत का ही नहीं बल्कि उनका इकलौता वारिस बन गया हूँ। पूरा गाँव बोल रहा है, अपनी जाति वाले को छोड़ के अपने भाई को खड़ा किया है, यही बोलेंगे गांव वालों को क्यों बुलाए, कोई जरूरत नहीं है। बाप रे बाप, नेताजी के लड़की के साथ धोखे से शादी किया और उसको बीमारी के नाम पे हॉस्पिटल में रखे, तुम तो बड़ा नेता बन गए हो। भैया छेद होगा तो धूप तो अंदर आएगी ही, बिना छत के बारिश में तो भीगना ही पड़ेगा। अब घर को उठा के कहीं और नहीं रख सकते ना, शेखर ही हमारा कैंडिडेट है। अब आप सब लोग ऐसे जिद करेंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, किसके साथ खड़ा होगा ये भी तो सोचे होंगे। हमारी जाति में जिसको वोट मिलेगा उसी को खड़ा करने चाहिए ना, जो करना जरूरी है वो बस कर दो, किसी को भी वोट दे देंगे। ठीक है तो सब लोग मिलके मेरे भाई को ही खड़ा कर रहे हैं, एक वोट भी बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा, और हमारे जाति वालों को कोई भी दिक्कत हो तो जान पर खेल कर खड़ा रहूंगा। बस इतना बोलना ही काफी है, आपके ऊपर पूरा भरोसा है।
नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया जी। नमस्ते, नमस्ते। बहुत समय हो गया मिले हुए। सिगरेट सनमुखाम। हाँ भैया। जरा सिगरेट की डिब्बी ले आना, जल्दी आना। जी अभी ला रहा हूँ भैया। सुनिए शक्ति भाई जी, बोलिए। राजा के केस का क्या हुआ? अपील किए हैं भैया जी। पहले उससे मिलके बेल के लिए। कैसी हैं आप दादी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है बेटी। तनकाई की बेटी तो दिन ब दिन मस्त होती जा रही है। अच्छी लग रही है तो पसंद है तो चलते हैं ना। चुप हो जा साले, ये हमारी जाति वाली है भैया। आप तो जातिवाद के नेता हो, बहुत गलत होगा ये। इसमें क्या गलत है, गांव में ये सब चलता है यार। हमारा सन्मुखम उसके लिए ठीक है भैया, आपका ही आदमी है ना, दोनों का शादी करवाइए। गांव वालों के सामने उसका बीवी और आपके लिए रखेल। ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? कुएं में है तो पानी है, वहीं कमंडल में तो वहीं तीर्थ है, भट्टी में कोयला राख है, पुजारी के हाथ में वो विभूति है। ये सब ठीक है, लेकिन वो ये मानेगा आपके आशीर्वाद के साथ? वो तो भैया के पैरों का चप्पल है ना। मुझे वफादार नहीं लगता वो। तुम उसको खत्म कर सकते हो? क्या मुझे किसी को मारने के लिए बोल रहे हैं? ऐसा मत बोलिए भैया। भैया सिगरेट लीजिए। माचिस। सुनो सन्मुखम जी। भैया शक्ति को खत्म कर दो इसे। ठीक है भैया। रुको सन्मुखम, छोड़ो छोड़ो यार, रहने दो, मजाक कर रहा था। अब देखना तुम सन्मुखम को। जी देख लिया। वफादार नहीं है बोल रहे थे? हाँ तलवार अंदर रखो बे। जी भैया। भैया छोटे से दिक्कत है। क्या? वो लड़की किसी दूसरे जाति वाले से प्यार करती है, अब क्या करे? मतलब ये तो और आसान हो गया। अच्छा सुनो तंगाई को बुला। ठीक है भैया। जरा सुनिए, आप मुझे अच्छे लगते हैं, हर वक्त मेरे पीछे मत घूमिए। आपको पिताजी से बात करनी चाहिए। आपके पिताजी तो मान चुके हैं। माना मान चुके हैं, पर आगे की भी तो बात। मैं अपने पिताजी की ही बात मानूंगी। चलिए। जो भी हो शादी तो मुझसे ही करोगी। मेरी लड़की उससे प्यार करती है, वो लड़का भी बहुत अच्छा है, और आज के जमाने में जातिवादी कौन देखता है? तुम नहीं देखते, लेकिन सरकार तो देखती है ना, तभी तो सरकार ने अलग अलग जाति के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान किया है। नहीं भैया नहीं, मेरी बेटी उसको पसंद करती देखो, है। देखो सरकार के मन में हो या नहीं, भैया के मन में तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए बहुत जगह है। कुछ समझा नहीं भैया। हमारी जाति दल के अगले कैंडिडेट आप ही हैं भैया। भैया अगर आपकी लड़की की किसी दूसरी जात वाली से शादी करवाई तो बाकी लोग भी ऐसे ही करने लगेंगे, उसके बाद हमारी जाति की क्या इज्जत रह जाएगी? आप अपनी लड़की की शादी अपने ही जात के लड़के से करवाओ। किससे शादी करवानी है? मेरे भाई जैसा ही है, सन्मुखाम से। किससे? ये आपके लिए भाई होगा, लेकिन ये तो कुली का काम करता है ना। उससे क्या है तनकाई, शादी के बाद अच्छे काम पे लगवाएंगे। तुमको और तुम्हारे परिवार को जो भी चाहिए वो मैं देख लूंगा। ठीक है नेताजी, आपके लिए कर रहा हूँ, बस अपना वादा जरूर निभाइएगा। अरे तुम बस अपनी लड़की की शादी इससे कर दो, बाकी देख लेंगे। देखो मैं ये सब पी के नहीं बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरी बेटी अपनी जात की इज्जत जरूर बचाएगी, चाहे कुछ भी हो। हमारी जाति का कोई अपमान नहीं होना चाहिए बेटा, मेरी बात मानो, सोच के एक बाप वादा करके आया है बेटा, मैं जिंदा रहूं या खुदकुशी करूं ये अब तुम्हारे फैसले के ऊपर ही है बेटा। तुम्हारा जो भी फैसला हो बेटा बता देना मुझे, बता देना। पिताजी। We'll be right back.
अच्छा त्रिचु के लिए तो बहुत सारी बसें हैं, लारी में क्यों आ रहा बेटा? बस जहां मर्जी होती है वहां रुकता हूँ, कोई वजह है मेरी बात समझिए ना। अरे सुनिए, थोड़ी दारू पी सकता हूँ क्या? दारू? एक गिलास आपका भी निकाल दूंगा। ऐसा है तो चलो पी लेते हैं। एक गिलास में मेरा कुछ नहीं होगा, कम से कम क्वार्टर लगेगा। ठीक है भैया, गिलास है क्या गाड़ी में? वो देखो उधर, सब सेट करके रखा अंदर, पीछे अचार भी धरा है घर वाला, वो भी ले ले, मजा आ जाएगा भाई। ढंग से डालियो, 3 दिन हो गया कतई नहीं पिए। भैया ये लीजिए, ये पैक लीजिए। अरे ढंगसु भाई, गाड़ी चला रहा हूँ ना, देख के दियो गिर ना जावे। लीजिए लीजिए। अच्छा इस रूट पे कितने सालों से गाड़ी चला रहे हो? 6 साल से चला रहा हूँ। काहे को पूछ रहा? कोई वजह है समझिए ना। कुछ भी पूछो, वजह वजह बोल रहा बेर बेर। अरे वो देखो, जहाँ टॉर्च लाइट जल रही है वहाँ देखो ना। गाड़ी अच्छा वहाँ, थोड़ी स्लो कर देना। अच्छा, अरे तू तो वैसा बड़ा आदमी निकला भाई। आप ही को तो जानना था, सब इसी के लिए, इसीलिए हाईवे पर लॉरी लेकर आता हूँ। अच्छा बेटा देख ले यार, सगल पे टॉर्च मार के रेट बोल रही है, 2 उंगली दिखा के 200 रुपए मांग रही है, रेट ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, अब गाड़ी भी रोको। रोक रहा हूँ, दम जा। अच्छा तुम नहीं आओगे क्या? अच्छा अब तुम मुझे सिखावा का? मैं रोज गाड़ी यहीं चलाता हूँ भाई, मेरे लिए ये वाली नहीं चलेगी। आगे गड़ी है ना वो देख, बहुत तगड़ी है। अरे वो तो अंग्रेजों के जमाने की लग रही है। माल तो ठीक है, काम कैसा है देखना पड़ेगा। चले क्या? अच्छा तुम तो कहीं जान पहचान वाली लग रही हो। तुम मेरे साथ सोने आए हो या मेरी हिस्ट्री जानने आए हो? चलो। अरे मैं तो बस पूछ रहा था। अरे तेरी आँखों का यो का कर दे मैं तू मन धाड़। क्या जी, हमेशा मेरे पास ही आते हो? मेरे पास कुछ नया नहीं है। तेरे जैसा मुझे कोई और ना देता। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? शेरा। शेरा? शेर वाला शेरा या कुत्तों वाला? बेइज्जती, शेरा सिंह। शेरा सिंह? वो तो शिकार के बाद पता चलेगा। क्या है दीदी? अरे तुम तो एकदम सोने जा रही हो, मुझे भी तो मूड में आने दो। तेरे 200 रुपए के लिए मजाक के साथ मूड भी चाहिए? मूड चाहिए तो अपनी बीवी को लेके शिमला जाओ, वहाँ रूम लेके मूड बनाओ। मूड बनाओ बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरी पार्टी को भी देखना है ना। बहुत चुल मच रही है, जल्दी खत्म कर देगी क्या? हेलो, थोड़ा आराम से। अबे तुम ही तो बोल रही थी जल्दी करने को। तो क्या सीधा कूद जाओगे? ये लो पहन लो सेफ्टी के लिए। ये क्या है, एक ही है क्या? डबल चाहिए, स्टील बॉडी है। अबे पेड़े नहीं है ये, कॉन्डम है। आहा, उस तरफ देखो, पहनता हूँ। अरे ये तो बहुत जिद करती है यार। ठीक से पहनना। तुम ही आके पहना दो, पहली बार नहीं कर रहा हूँ। अबे नाखून मत घुसाओ, टाइट पकड़ो ना। पूरा 500 कर दो ना। अरे तुझे सब कुछ दे दूंगा। दीदी ये लो पकड़ो। दीदी एक ग्लास मुझे भी दो, जल रहा है। हाँ क्या हुआ बोल ना। अरे क्या बताऊं, अरे ये हाथ पे क्या हुआ? जल रहा है। हे भगवान, अब क्या ही बोले। एक और ग्लास डालिए ना, इससे अच्छा तो कोलकाता का रेड स्ट्रीट ही है। पागल साला, जैकेट भी फाड़ दिया, ठर की आदमी, जानवर जैसा कूदा, पूरा हाथ छिल गया। हे भगवान, अब क्या ही बोले। ए लता, वहाँ क्या बात कर रहे हो? इनको कुछ और ही होता है। आजा मैं तेरे लाड लडालू मेरी पतंग। आप क्या हमेशा गाना गाते रहते हैं, नींद आ रही है क्या? के? खुद को नींद से जगाने के लिए नहीं गा रहा हूँ, नींद को तुझसे भगाने के लिए गा रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ हैं, सिर्फ मेरे पास ही क्यों आते हो? अब मुझसे वो कतई मत पूछ, है तू भागी कतई मन को। चटाई तक क्या लेके सब घूमते हो क्या? सब तेरे लिए ही तो है। ठीक है,
सिर्फ बातें ही करते रहोगे क्या? हाँ यूं ही सही है, अब तो बात हमारे बदन करेंगे है? चल दोनों को बात करन दे। कविता, अंग्रेजी में 100 में से 100, हिंदी में भी 100 में से 100, और गणित में भी 100 में से 100, और विज्ञान में भी 100 में 100, सोशल साइंस में भी पूरे 100 में भी 100, कुल मिला के 500 में पूरे 500। वेरी गुड कविता, तुम बहुत आगे जाओगी। अबे पूरा 200 दे दो यार, तुमको कंपनी भी तो दे रहे हैं। तुमको जो चाहिए अब पूरा 500 कर दो यार। तबीयत कैसी है पापा? ठीक है बेटा। माँ? आ रही हूँ कविता। माँ ये लीजिए, सामान खरीद लिया है, थोड़ा संभल के खर्च करिए। ठीक है बेटी। आज का कलेक्शन अच्छा नहीं था। अरे ये क्या बेटा, नोच खाना चाहते हैं ये लोग? क्या माँ, कुछ नया नहीं है, कोई आदमी नहीं है, सब जानवर हैं, जो दूसरों की मजबूरी को नहीं समझते। अरे बेटी दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा गर्म पानी चाहिए माँ। हाँ लाती हूँ। ये लो माँ, पापा को हॉस्पिटल ले जाइए और पापा का इलाज अच्छे से करवाओ। ठीक है बेटा, अभी गर्म पानी करके लाती हूँ। अबे सुनो, मैं अपने भांजे से कुछ नहीं बोल सकता, वो मेरे ऊपर ही चढ़ेगा, समझा? सामान संभाल कर लेकर जाना, अगर कोई गलती की तो समझो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। अरे जाओ, अबे जा भी जाओ। रुद्र भैया, मैं गाड़ी में माल लोड करके सालेम होते हुए जाऊंगा। अरे पांडी, मुझे बोलने से अच्छा होगा अपने भांजे से बात करो। अब उसको भी बताना पड़ेगा। अरे जाओ भी। ठीक है। उन तीनों का बिल बन गया? अभी बनाती हूँ सर। जल्दी कीजिए। क्या बात है, शुरू कर दिया तुमने अपना मॉडर्नाइजेशन। क्या है ये? अरे पार्सल का खाना, बाहर का खाना खाना नहीं छोड़ोगे तुम? आप ही बोलिए भैया, अपने भांजे का समय पे शादी करवाइए, अभी भी पार्सल का खाना खाएगा तो क्या होगा? सुनो बेटा, सलीम के एक छोटे से गांव में अच्छी पढ़ाई की हुई एक सुंदर लड़की है, शादी करोगे क्या तुम उससे? ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ो मत करो। अरे यार, अरे भाई, तुम भी प्यार व्यार करके किसी से शादी कर लो यार। देखो हो रहे हो, तुम तो किसी भी ढाबे में खाना खा लेते हो, लेकिन मेरा भांजा पसंदीदा खाना अपने घर पर ही खाएगा। हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं भैया, इस उम्र में घर का खाना खाना चाहिए। कौन ये? खिलाने पे उल्टी कर देगा। बाला सर, मछली फ्राई और चिकन बना के रखा है, शाम को घर आओगे क्या? चुपचाप अपना काम करो, चलो जाओ। अरे खाने पे ही तो बुला रही हो। क्यों पार्वती? हाँ। वो फ्रेश खाना को ही मना कर रहा है और तुम अपने पति के बाद बचा हुआ खाना खिलाओगी। चलो कट लो, कट लो, जाओ। देखो गुस्सा मत दिला, सब लोड हुआ ना, चलो जाओ। बाला, सबको गाड़ी के लिए अच्छा माल मिल रहा है, बस तुमको ही क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है भैया, मैं लोड लेके निकल रहा हूँ। बाला, मैं सलीम से होके जा रहा हूँ, तुम गलत ना समझो, इसलिए तुम्हें बता के जा रहा हूँ, ठीक है ना? अरे पांडी, मुझे भी काम है वहाँ। हाँ। मैं भी चलता हूँ, बैंक तक जाना मुझे। बाला, मामा जी लोन लेके एक लॉरी खरीदने की बात कर रहे हैं, सही रहेगा ना? अभी फिलहाल तो थोड़ा मुश्किल होगा, आगे देखते हैं। जो भी है सोच समझ के ही करना, जल्दी फैसला मत ले लेना। अरे क्या हुआ? फिर टायर पंचर हो गया। क्या यार, टायर पंचर हो गया? अरे वही तो बोल रहा हूँ, अरे मेरा पंच मेरे ही मुंह पर मार दो तुम। मुझे देर हो रही है पांडी, मुझे जल्दी जाना है। अरे पंचर के पैसे नहीं है क्या? धक्का लगाओ और निकल लो। पंचर ठीक कराने के लिए पैसे नहीं देता, तुम रुको, अपने लॉरी लेके तुम्हारे सामने एक दिन खड़ा हो जाऊंगा। बाप रे
टिकट टिकट मैडम दो ही है, चार का पैसा मत काट देना ठीक है। टिकट संभाल कर ले लो। टिकट बोलो कहाँ जाओगी? वसंत नगर। टिकट टिकट टिकट, अरे कोई रह तो ना गया भाई। टिकट टिकट देखो उस पे चल रहा है, सीधा कर रहा है, जिस तो पेन है जिस तीस को पकड़ मार रहा है, सब लोग चढ़ गए हैं बस में, एक ही बस आ गई है इस रास्ते में, क्या करें? आप आगे आ जाइए। हाँ चाहे वो आगे चल रही है, परेशान तो नहीं करेगा बेचारे। अगली स्टॉप पर उतर जाऊंगी, उससे पहले जो भी करना है कर लो। क्या बात है, थप्पड़ से तो यही अच्छा है। हेलो, आपने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया उसे, आप बहुत ही अच्छे हैं। मंजुला क्या है? हाँ दीदी। टॉर्च लाइट के साथ काम कैसा चल रहा है? क्या बोले दीदी, सब लोग उधारी में काम करवा रहे हैं, इसीलिए तो आपसे मिलने आए हैं। इस उम्र में भी मेकअप कर रही हो, कोई काम आ रहा है क्या? माइनर, इस काम में दीवार अच्छी होनी चाहिए, तभी तो चित्र बनाने वाले आएंगे ना। तुम भी तो ऐसे ही आए थे? हाँ जी, माइनर बन के ही आया था, तुम सबको देखे यही बैठा हूँ अभी भी। हाँ बोलो क्या हुआ? कमला के पास दो नई लड़की आई है, उनको अंदर ले आऊं? अरे उसके पास पुरानी बुढ़िया मरीज लोग ही तो आए होंगे, गोविंद के पास दो कच्ची गलियां हैं, जाकर ले आओ। वहाँ से मैं कैसे लाऊं दीदी, बहुत दिक्कत होता है। हाँ ठीक है, तुम्हारे मुंह में क्या लगा है? दीदी आज रात सेठ के पास रोजा को भेजूं? सुबह ही तो आई थी रे, टायर्ड होगी, नर्मदा को ले जाओ। ठीक है। दीदी नर्मदा को मासिक हो गया। मासिक? नर्मदा? हाँ दीदी। अभी तक 22 दिन ही हुआ है, मुझसे झूठ बोलोगी? तुम्हारा ही नहीं तुम सभी का पीरियड्स हिस्ट्री मालूम रहता है मुझे। सुनो हाँ। गाड़ी आ गया है, इसे दूसरी पार्टी के पास भेजो। ठीक है दीदी, भेजता हूँ। दीदी से बात कर लेना। अच्छी कंपनी लेकर आना, इस KPR का अच्छा नाम करो ठीक है, तभी तो चार कस्टमर हमारे पास आएंगे। देखो पति के साथ सोना अलग है और कस्टमर के साथ सोना अलग है, समझी ना तुम? बहुत अच्छी एडवाइस दे रही हो, पति को धोखा दे सकती हो, पैसे देने वाले को थोड़ी धोखा दे सकती हो, वो थोड़ी छोड़ेगा तुम्हें। चलो संभल के जाना। वाणी सुनो 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 दीदी, दो लोग आधा दिन के लिए बोले थे, जाने के बाद तीन लोग, पूरे दिन के बाद भी सिर्फ 1000 रुपए ही दिया। अबे माइनर ये क्या कर रहा है तू, नंबर जानते हो ना, जल्दी फोन कर चल। हेलो इधर दो। क्या बे 1000 रुपए भेजोगे, बाकी पैसे तेरा बाप तेरी माँ। आगे से ऐसा ना हो, जाओ बाकी पैसे वापस लेकर आओ। बस अभी लेके आया उसकी। गोदावरी? हाँ दीदी। इसका हिसाब करके भेज दो, अगर हमने इस काम में भी धोखा किया तो कोई लड़की नहीं आएगी यहाँ। जा ठीक है दीदी, ठीक है आओ।
आपकी बेटी स्कूल जा रही है ना, वो हाँ। बस के लिए आप पैसे मांग रहे थे, मैं भूल गई। चेंज इनमें से 10 डिब्बों को केरला भेजना है और 10 डिब्बों को आंध्रा भेजना है। कंपनी के नाम पे बिल भेजिए, बिल भेज के इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके सर। अरे रुको, इस तरह मोड़ो। हाँ ठीक है, ऐसे रखो। तो वो है, यही मतलब? अरे प्यार हो गया है यार। ये तुम क्या बक रहे हो? रुको रुको, एक बल्ब लेके आना यार। क्या कहा? अरे एक बल्ब लेके आना यार। ओ हाँ हाँ, ये दो 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 मुझे दो। कितना पावर है यार, बोला ना। मैंने बोला था ना भैया, प्यार कंफर्म हो गया है। बस ये देख के कैसे बोल सकते? बिना करंट के बल्ब जल रहा है। अरे बाला, मैंने बहुत माल देखा है, बस अपनी वाली को दिखा दो, कोई भी हो तुम्हारी शादी करवा के रहेंगे, ठीक है ना? अरे वो लड़की किस एरिया से है बाला? वाणी को बोल दो, लड़की कहीं से भी हो वो खुद आकर बात करेगी। मामा जी, वो लड़की बैंक रोड के पास वाले बस स्टॉप पे रोज 11 बजे आती है। बेटा आप समझा, डेली बैंक जा रहे हो, बोल के निकलते हो, बस उसका पीछा करने के लिए आए हैं? कैसा जन्म आ रहा है? अरे छोड़िए भैया, बाला तुम मेरे साथ आओ, उस लड़की से अभी बात करते हैं, चलो। अरे सुनो। हाँ, क्या हुआ? ज्यादा करंट तो तुझ में है। मुझ में? अरे नो 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 नो, बिल्कुल नहीं चला, फ्यूज हो गया यार, सबको पता है। अरे शक्ति जी भैया, जो बोला था सब हो गया? हो गया दीदी। हाँ, सब ठीक है, अच्छे से देखभाल करना। सब ठीक है भैया, आप ये रखिए। नहीं नहीं, हमारे हॉस्पिटल में ये सब नहीं लेते। ये लो, ये नंबर रख लो। ठीक है। हाँ, तो ठीक है, ये बिल में जोड़ लेना। क्या बातें कर रहे हो? हाथ के बारे में ही बता रहा हूँ, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। ऐसे बता रहे हैं, एक हाथ तो तुड़वा लिया अपना, दूसरा भी तुड़वाना है क्या? अबे आ रहा हूँ, बोला ना। कभी नहीं सुधरेंगे। अच्छा तुमको उस लड़की बहुत पसंद आ गई क्या? हमारे ही एरिया की है ना। रुको, वो यदि आसपास की ही है तो उसको अभी ढूंढ लेते हैं, ठीक है? ये कितने का है? ये 5 का। 5 रुपए का? और ये? 10 रुपए। 10 रुपए। हे गाड़ी कहाँ है? पी लेके कौन ले गया बे? कहाँ गया वो? वो भाई जरा काम था आगे, गाड़ी जल्दी लेके आने को बोलो उसको। तुमने सारे बिल देख लिए? वो देखो, वो रही वो लड़की। हाँ हाँ, देख लिया देख लिया। जल्दी चलो बस के पीछे। अरे, अरे रुको यार, अभी अभी चढ़ी है बस में। वो रही गाड़ी। अरे देख नहीं पाए, ये लो बस भी चली गई। पांडी वो बस में थी ना, वो पीछे देखी तुमने? अरे बस के अंदर है तो मैं कैसे देखूंगा यार, क्या बोल रहे हो? पांडी तुमने उसको देखा नहीं? हाँ क्यों नहीं, पीछे से देखा। क्या फिगर है यार। अबे ये क्या बकवास कर रहा है? मैं बस की बॉडी की बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, आज मिस किए, कल देख लेंगे, अभी चलो। अरे बैठना यार, चलते हैं, जल्दी बैठ। बस के पीछे से उसको देखे, फिर उसके पीछे पीछे जाए, क्या पागलपन है, चुपचाप चलो। सुनो पहले ये डोर ठीक करो।
क्या है ये माइनर, ये यहाँ पर पुलिस जीप क्या कर रही है? शायद वो कस्टमर ही है। तुम भी? अरे वाह, सबको प्रणाम। अच्छे से फोटो खींच लो। पुलिस की कामयाबी, शांति से व्यापार कर रही महिलाओं को अरेस्ट करके पेपर में बड़ा सा हेडलाइन छाप दीजिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, मेरे लिए इंसाफ यही रहेगा। गलत है तो चप्पल उठा के मारो मुझे, मगर अगर सही है तो जो करना है वही करिए। आप ही बताइए ये बेचारी लड़कियां क्या करेंगी? ठीक से बैठने से ही तो नाई बाल काट सकता है ना। अब आप लोगों को घर का खाना खाना होगा, तो आप लोग होटल जाके खाना खाओगे क्या? कुछ लोग वही खाना खा के रोज रोज बोर हो जाते हैं, और कुछ लोग खाना बनाने के लिए कोई नहीं है ये बोलकर आते हैं। भूख मिटाने का काम सेवा है, तो शरीर की भूख मिटाना भी तो सेवा ही हुई। ये सब इसी वजह से है, मन की तन की ख्वाहिश है क्या बे? हाँ। हाथी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो क्या करता है? हाथी तबाही मचाता है। और कुत्ता? पागल हो जाता है। और सांड? वो तो खेत जोतना बंद कर देता है। जानवर की ये हालत है तो इंसान का क्या होगा? वो तो पागल हो जाएंगे। इसीलिए तो पागलों की तरह चोरी मारना पीटना और सब क्राइम करते हैं। और ये सब है बोल के क्राइम थोड़ा कम है, अगर ये ना हो तो सारी दुनिया बिगड़ जाएगी। इसके बावजूद भी इनको कानून के नाम पे कहीं भी ले जाओ, वहाँ भी गलत ही होगा। ओशो को जानते हो? वो कहता था भूख है तो खाओ, वो कहता था सांसारिक सुख ही प्रमुख है। चीन में शरीर का धंधा खुल कर करते हैं, 53,000 करोड़ का बिजनेस है ये, लेकिन इंडिया में 13,000 करोड़ ही है। चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका 5वें स्थान पर, और इंडिया 8वें स्थान पर, वो भी हमारी वजह से, हमारी सेवा की वजह से। क्यों, 10वीं जगह पे ही सही, लेकिन विदेशी कल्चर से हमारा कल्चर बेटर है। देखिए जी, वहाँ एक लड़की शादी करती है तो एक ही आदमी के साथ रहती है, पसंद नहीं तो डाइवोर्स करके 10 लोगों से भी शादी करेगी। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग एक से शादी करके 9 लोगों से रिश्ता बनाते हैं। अब बोलिए, समाज के बारे में किसको चिंता है? अमीर लड़कियां ऐसी गलती करती तो? वो बस मस्ती के लिए पागलपंती है। ये लोग तो करते हैं अपना पेट पालने के लिए। मदद के लिए दरवाजा खटखटाओ तो कोई नहीं खोलता, वो दरवाजा खोलने के लिए कुछ लड़कियों को धंधा करना पड़ता है। और ये बात मैं जानती हूँ, मैंने बोल दिया ना आपको, अगर ये सब गलत है तो चप्पल उठाकर मुझे मारिए। बहुत ऊपर तक कनेक्शन है मेरे, ऊपर से फोन आते हैं मुझे, समझे ना? चुपचाप चले जाइए। मैंने एक फोन किया तो जानते हो ना क्या होगा? पैसा एक हद तक पहुंचता है, लेकिन धंधा उससे भी कहीं आगे जाता है। चलिए चलिए जाइए। चलो ए चलो, अपना अपना काम करो, जाओ। मुझसे नहीं होगा, आपको जो देना है दे दो, मुझे घर जाना है। अरे यार, नाटक क्यों करती हो, अब क्या हुआ? अरे छोड़ो यार, नहीं चाहिए, मुझे आने को बोला, मैं घर पर झूठ बोलकर आई हूँ। देखो चाहिए तो ज्यादा पैसा ले लो, एडजस्ट कर लो। कोशिश किए थे, नीला जैसे हंसने को बोल रहे थे, नीला जैसे बात करने को, नीला जैसे चलने को, वहाँ तक भी बात ठीक थी, गाने लगाकर नीला की तरह महकने को बोल रहे थे, ये क्या बकवास है? वो क्या है रानी, तुम उसके बारे में तो जानती ही हो ना, कुछ को शरीर अच्छा लगता है, कुछ को चेहरा अच्छा लगता है, इसको नीला पसंद है ना। तेरी घरवाली तेरे साथ सोते हुए किसी और के बारे में सोच रही होगी, मेरे से ये कभी नहीं होगा। अबे हद पार कर रही हो। आ रहा हूँ भैया, अभी आ रहा हूँ मैं। दिमाग खराब कर दिया, क्या हुआ भैया? क्या बे, वो मानेगी? वो क्या है भैया, आप उसको नीला के बारे में बोल रहे हो ना, वो पूछ रही है कि नीला के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, कुछ भी बोलो। देखो वो भी एक धंधे ही वाली है ना। वही तो दिक्कत है, ये सब तो मामूली लड़कियां हैं। हाँ। लेकिन मेरी नीला की बात ही कुछ और है। हाँ। उसका नाम लेते ही एक किक आती है। ठीक है, कहाँ है वो अब? वो नहीं मानेगी भैया। सुन ये बता वो है कहाँ? अरे भैया छोड़ो ना उसे, उसके बारे में बात मत करो। हे तुम बस ये बताओ कि वो कहाँ है। ठीक है तो सुनो। यार यही पे आती है ना? यहीं से वो बस में चढ़ती है पांडे, रुकना आएगी। ठीक है एक काम कर,
मैं एक फूक मार के आता हूँ, वो आई तो बता देना। अरे पांडे टाइम हो रहा है, वो आने वाली है। आने तो दे बाबा, मैं बस अभी आता हूँ। भैया ये संतरे कैसे दिए? आज इतनी लेट कैसे है? यहाँ इसी टाइम पे तो दिखती है रोज। हे नीला, तुम यहाँ कैसे, क्या कर रहे हो यहाँ? अरे अंकल आप यहाँ? मैडम ये 30 का पड़ेगा। दे दीजिए। मिल भी लिए, मतलब मेरा प्यार सक्सेस हो गया। अरे आज भी नहीं आई लगता है, फिर से चक्कर लगाना पड़ेगा। अरे तेरे वाली आएगी क्या? मैं खुद किसी से मिलके आया हूँ। अरे अभी तुम जिससे बात कर रहे थे वही है मेरा प्यार। कौन सी लड़की? जो मुझसे बात कर रही थी वो? हाँ वही। नहीं यार वो लड़की तेरे लिए नहीं है, चलो चलते हैं। क्या हुआ पांडे? अबे मुझे पसंद नहीं है, आओ घर चलते हैं। पसंद नहीं है? क्यों पांडे अच्छी तो है। अबे नहीं चाहिए, छोड़ दूसरी लड़की ढूंढते हैं, चलो। मेरी बात मान, वो लड़की नहीं चाहिए, आओ। पांडे अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बाला तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे वो लड़की पांडे की कोई रिश्तेदार होगी, नहीं तो किसी और से प्यार कर रही होगी। अरे क्या पता पांडे खुद उससे शादी करना चाह रहा होगा। ये देखो तुम कुछ मत सोचना, कल ही मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, उस लड़की से बात करूंगा, अरे सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं हूँ ना उस लड़की से बात करने के लिए। वो अभी जरूरी नहीं है मामा, चेन्नई सलेम लोड रेडी हो रहा है, जाके वो देखिए। सुनो मुथु कल हमारा। बहुत दिनों से भूखा हो भैया, कुछ खाने को दे दो ना। अरे भैया हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कहीं और जाके मांगो। चल भाई चल चल निकल यहाँ से। इतना अरे निकल ना, नहीं। आया कहाँ लेके जाएगा, सब भीख मांगता है, फिर भी चर्बी देखो इसकी है। अरे पानी क्या चल रहा है वहाँ? अरे बस काउंटिंग कर रहे हैं भैया। काउंटिंग बस, इनसे बात नहीं कर सकते यही ना। अरे हाँ यही समझ लो। कबाब में हड्डी, चलो तुमसे तो मैं बाद में मिलूंगा। बाला अरे मुझे लोडिंग कर चुके हैं, ओरिजिनल माल देना, अभी बस सेठ पैसा देगा। मामा के पास से जाके ले लो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? सुने रुद्र भैया, लड़का इतने गुस्से में क्यों है? अरे उसकी वजह तुम हो। अरे बेकार में ही उसको टेंशन दे रहे हो तुम। मैंने कौन सा टेंशन दिया? अबे तू बिना शादी किए घूमते रहते हो लड़कियों के पीछे, लेकिन बाला ऐसा नहीं है। अरे उस लड़की को बहुत पसंद करता है वो। अरे हो सके तो उनकी शादी करा दो ना। शादी का फैसला भी हो गया, तुम लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है। चलो बाला मेरे साथ चलो। कहाँ? वो लड़की चाहिए तुमको? हाँ तो मेरे साथ चलो, मिलते हैं बात करते हैं। देखो पांडे मजाक मत करो। क्यों यार? मजाक नहीं, इट्स नॉट गेम, सीरियसली बोल रहा हूँ, चलो। बाला वो खुद बोल रहा है ना, अरे साथ में जाओ उसके और जाके मिलो उससे। हाँ। बात करो जल्दी से, फैसला करो। बोल रहे हैं। नहीं मामा अब जाएंगे तो रात हो जाएगी, दिन में जाके बात करेंगे। ए, कभी भी मिलो, बस मिलना ही तो है यार उससे। अरे आप मामा भांजा ना, आप दोनों ही नहीं समझ रहे हो, उससे हम सिर्फ रात को ही मिल सकते हैं। अरे यार कभी भी मिलो उससे, पर उससे बात तो करो। निकलो चलो, निकलो गाड़ी में बैठो, निकलो यहां। चलो हाँ? देख पाएंगे। अच्छा पांडे लड़की देखने जा रहे हैं, रात में जाना सही होगा क्या? यही सही है। अच्छा एक बात और, उस लड़की का नाम क्या है? नीला। इसीलिए रात में मिलवाने ले जा रहे हो? सुनो पांडे क्या ये तुमको ठीक लग रहा है? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। वैसे ये बताओ पांडे, अब क्या है बे? ये बताओ कि उसका बाप क्या करता है? भाई बहने कोई हैं? ये रिश्ता मानेंगे वो लोग? जाति वाति देखने वाले तो नहीं है ना? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। अरे तुम ही तो जानते हो उन लोगों को, चुप क्यों बैठे हो, गुस्सा हो क्या? ठीक है गुस्सा नहीं हूँ, बताता हूँ। ट्रेन में सवारी करने के लिए बस स्टैंड से कोई टिकट लेता है क्या? बताओ मुझे। ये क्या बोल रहे हो? धीरे धीरे सब समझ में आएगा। वो वहाँ वो लोग टॉर्च लाइट क्यों दिखा रहे हैं? हमारा हेडलाइट वीक है तो हेल्प कर रही है। देखो उसके जैसी है ना? उसकी जैसी नहीं, वही लड़की है। पांडे ये चेहरे पे लाइट क्यों डाल रही है? बस उसका धंधा है। धंधा? उंगली क्यों दिखा रही है? बस रेट है। चलो उतरो। उतरना है? सब समझ में आ जाएगा तुमको।
रेखा, तुम्हारा प्यार कहाँ खड़ी रहती है? उतनी महंगी नहीं है, बस 300 रुपए ही है। जाति पूछ रहे थे ना, जाति धर्म कुछ नहीं देखती, इसको तो कोई भी चलेगा। क्यों चुप हो गए तुम? हाईवे आइटम आओ। अरे आओ तो सही, बात करके सब समझ लो। नीला इसको लेके जाओ। भाई आप लोग के फैसले से पहले क्या मैं इसको ले जाऊं? नीला लड़का एकदम फ्रेश है, तुमसे प्यार करता है बोलता है, तुम ही लेके जाओ और थोड़ा समझाओ इसको। जाओ ले जाओ इसे। चलो चले। बारा पहले पैसे दे देना, बाकी वो तुम्हें समझा देगी। लेकिन ये समझेगा क्या? हाँ अरे मेरी वाली कहाँ है मंजुला? तेरे को बोला था ना तू यहाँ क्यों आ गई, ये किसी और का एरिया है, तू यहाँ क्या करने आई? मरवाएगी क्या? दीदी को अगर पता चल गया ना तो हम दोनों को फांसी दे देगी। चल यहाँ से। ब्लाउज भी उतारूं क्या या तुम उतारोगे? कुछ लोग तो ब्लाउज खोलना खुद ही पसंद करते हैं, क्या तुम भी? नहीं। क्या नहीं कह रहे हो? मैं पसंद नहीं आई क्या? तुम ही ने तो मुझे पसंद किया। नहीं ऐसा मत कीजिए। ये ले लो तुम्हारे पैसे। नहीं तुम ही रख लो। तुम्हारे साथ सोने का दाम था, ये मुफ्त में नहीं चाहिए। तुम इस धंधे में कैसे आई? तुम क्यों कर रही हो ये धंधा? ये सवाल यहाँ का हर आदमी मुझसे पूछता है, तुम कुछ नया नहीं पूछ रहे हो। यहाँ आने के बाद ही ये सवाल करते हैं। अरे सुनो पांडी, तुम उससे मना करके वाकई सही किए हो। भैया डालो बे, तुम वाकई नशे में हो यार, यार जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। देखो पांडी, मैं इसीलिए तुम लोगों से दूर रहता हूँ। हाँ बाड़ा देखो, मामा भी बोल रहा है। कभी कभी प्लान भी काम नहीं करता है, उसे भूलने का एक तरीका बताऊं? बांगा देखो बेटा, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम उसे भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ उसे। बाला तुम्हें एक तरीके की बात बताऊं? चुपचाप एक बार तुम उसके साथ जाके सो लो, तभी तुम्हारा प्यार खत्म होगा और तुम भी सुधर जाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यही एक तरीका है। ये तुम लोगों की तरह सिर्फ शरीर का भूखा नहीं हूँ, ये दिल की बात है। तुम लोग कैसे समझोगे? बेटा बात सुनो। अरे बेटा यार, उसने मुझे थप्पड़ मारा। अरे तुमको तो चप्पल से मारना चाहिए। मेरे थप्पड़ मारा और तुम देखते रहे। देसी काजल है वो, जहर जैसा ही है, आंखों में मत डालना। क्या करूं दीदी, यही सस्ता है, ज्यादा देर तक रहता भी है। बाजार चले क्या दीदी? हाँ दीदी कहाँ है? बस में जाना पड़ेगा। अरे बस में ले जाने वाली पार्टी कहाँ है मेरे पास? क्या दीदी मजाक कर रहे हो? क्या है, दिन में ही सजना शुरू कर दिया सबने? क्यों, दिन में भी ड्यूटी है क्या? हाँ जी, पार्टी कस्टमर को होंठ लाल चाहिए, तभी मूड आता है उनको, इसीलिए 100 रुपए ज्यादा दे देगा। बाजार से खरीदने की औकात थोड़ी ना है हमारी, इसीलिए तो सिगरेट के इस पैकेट के लाल वाले हिस्से से होंठ लाल कर रही थी। बाहर इंतजार कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं ये? ए धना, तेरा कस्टमर बाहर रेडी है, चलो जल्दी निकलो। बस निकल रही हूँ। और सुनो, जो भी मिलेगा उसका आधा अपना याद है ना? क्यों बे,
उसके साथ मैं सोती हूँ कि तू मुझे पैसा दे रहा है वो, तो मैं वो पैसा तुझे क्यों दूँ? क्या करेगा? बाजार में कुछ बेचने से लेकर राजनीति तक सब में ब्रोकर की जरूरत होती है। याद रखना, हमारा हिस्सा दिए बिना तुम लोग ये धंधा नहीं कर पाओगी। अच्छा जी। सोचो जरा, तुम सबको अगर एड्स हो जाए तो तुम लोग ये धंधा कैसे करोगी बताओ? कार्ड डालेंगे समझा, छोड़ रहे हैं तो कुछ भी बोलेगा क्या? मेरी माँ, तुम पैसा मत दो, बस छोड़ दो मुझे। अरे हिस्से के चक्कर में पड़ा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। जाओ तुम। ये नहीं चाहिए, आप चलिए। ये मुझे क्यों बुला रहा है? तुम रोज उसी के लिए ही तो आते हो, तो फिर आज मुझे क्यों चुना? क्या यार, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? फर्स्ट टाइम है क्या? देखते ही कपड़े फाड़ने लगते हैं लोग, तुम तो इतनी दूर आने के बाद भी चुपचाप बैठे हो। नहीं, मैं शाकाहारी हूँ। माँ का दूध पेड़ से आता है क्या? सब मांसाहारी हैं। अच्छे अच्छे आदमी भी अकेले में जानवर बन जाते हैं। ये लीजिए, रख लीजिए। नहीं छोड़ो, काम किए बिना पैसे नहीं लेती। अच्छा, वो लड़की इस धंधे में कैसे आई? कौन सी लड़की? वही जो आपके पास खड़ी थी, उसी की बात कर रहा हूँ। कौन? क्या नीला? हाँ जी। ओ, तुम तो नीला की कहानी सुनने आए हो यहाँ पर, अब हाँ समझी। अच्छा, तुम पत्रकार हो क्या? हाईवे बन गया रेड लाइट करके? नहीं नहीं, टॉर्च लाइट करके अखबार में छाप के पैसा कमाने आए हो? नहीं नहीं, मैं किसी अखबार से नहीं। तो बता दो, तो फिर कौन से आए हो? मतलब पैसा नहीं मिलेगा? अरे कविता, तो फिर क्या चाहिए? क्या हुआ? कस्टमर जानना चाहता है कि नीला इस धंधे में क्यों आई है। इसने भी क्या पूछ लिया। देखो, बाहर एरिया स्टेशन का ऐसा ही आया है, वो तुम्हारे को ढूंढ रहा है। चलो जाओ, जल्दी से जाओ, इसके साथ बैठ के तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अभी तो वो अकेला आया है, कहीं पीछे से पीसी या फिर कांस्टेबल ना आ जाए। चलो चलो, जल्दी जाओ। ये भी अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। जरा मैं ही पूछता हूँ कि ये है कहाँ से। क्या रे, तुझे मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, तू यहाँ सिर्फ आता है, करता कुछ नहीं। शर्माता है क्या, या फिर बात कुछ और है? बता तो सही, शर्मा मत। सुन, प्यार हो गया क्या? ये प्यार व्यार किसी काम नहीं आता, सच कह रहा हूँ, मेरी बात मान। देखो तो आशिक को। अच्छा सुनो, इस प्यार से क्या मिलेगा? ये सब बेकार है, लव शव किसी काम के नहीं, बेकार में टाइम बर्बाद कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, शादी से क्या होगा और शादी के बाद क्या? तुम भी कहाँ प्यार और शादी के चक्कर में पड़ रहे हो? हाँ तुम भी भाई, जो तुम शादी के बाद करोगे उसे पैसा देके कर लो। हाँ, क्या तुम भी प्यार के चक्कर में पड़ रहे हो? हाँ चल, तुम सही कह रहे हो, चल बे। जा जा। दर्द हो रहा है क्या? जानवर ही है, कैसे फाड़ा देखो। जंगली है बे, वहीं के वहीं जलाना चाहिए। तुम भी ना, कुछ मर्द ऐसे ही नोचते फाड़ते हैं। क्या नीला, तेरा वाला यहीं आके खड़ा है आज। जाने दो ना, हमें क्या? क्या रे, दवाई लगा रही हूँ, जल नहीं रहा? दिल ही जल चुका है, उसके सामने इस दवाई की जलन क्या? आखिर ऐसा करने वाले अच्छे थोड़ी होंगे। वे लोग अच्छे रहे तब भी हमारे पास आएंगे, श्राप मत दो यार। नीला दीदी, कुछ सिगरेट के डिब्बे और देसी काजल दे दो जरा। ये लो। क्या रे कविता, तब से क्या पढ़ रही है? कविता दिखा। उसकी भूख शरीर की भूख है, भूख और भूख मिलके दोनों शांत हो गए। अच्छा लिखती हो।
ऐसे ही मंजुला नीला कविता करके आवाज लगाओ भैया, हम भी तो बिकने वाले माल हैं। नीला, लगता है तुम्हारी कहानी सुने बगैर नहीं जाएगा, थोड़ा समझाओ उसे। मैं चलती हूँ, मेरी कॉपी दे दो। अंदर आपके पास ही पानी और दवाई रखी है, आप खा लीजिए, मैं आ रही हूँ। तुम्हें आके क्या चाहिए? सुनो, मेरी कहानी सुंदर नहीं है और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहती। क्यों तब से मेरे पीछे घूम रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, हम एक हो पाएंगे या नहीं ये नहीं जानता। क्यों परेशान कर रहे हो? मेरी कहानी सुननी है बस, वही ना, तो सुनो। सभी लड़कियों की तरह मैं भी बहुत खुश रहती थी। कोई मुझे पसंद भी करता था। मेरे पिताजी कब से जाती बाती देखने लगे मुझे पता ही नहीं लगा। पिताजी की खुशी मेरे लिए सबसे कीमती थी। शादी करवा के वो चल बसे। वो कहावत है ना, जो चाहिए वो ना मिले, जो मिले उसे अपना लो। मैंने अपने पति से बहुत प्यार किया, मेरे लिए तो वही मेरी दुनिया थे। टेंशन मत लो, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा आज। अरे सन्मुखाम। हाँ नमस्ते भैया। हाँ सन्मुखाम, कल गेस्ट हाउस में दावत है, नीला को भी साथ लेके आना। ठीक है भैया, जरूर आएंगे, भूलना नहीं। जी जी। नीला को भी लेके आना, गाड़ी निकाल। ठीक है भाई। राइस मिल जाके गणेश से पैसे ले। ठीक है भाई, आप जाओ गाड़ी निकालो। ठीक है भाई, मैं वहीं मिलता हूँ। लीजिए पी लो। क्या हुआ सन्मुखाम? क्या बे, नीला को देख रहे हो? रोज पीता था तू। मैंने पहले नीला को देखा था, इसलिए तुम नीला के साथ शादी कर पाए। अब वो तेरी जान बन गई है क्या? मुझे उल्लू समझते हो? अरे भाई, मेरी बात नहीं मानोगे तुम। अरे आप क्या कह रहे हो भैया, लो मैं अभी पीता हूं। तुम मेरे भाई हो यार। Mm-hmm.
सन्मुखाम, मूर्ति ने तो तुमको सब बता दिया होगा। नहीं बताया भैया। नहीं बताया वो भी ना, ठीक है। मेरी जायदाद के वारिस हो गए तो तुम क्या करोगे? हर चीज का अच्छे से ख्याल रखूंगा, और क्या। मेरे परिवार को तुम्हारे पास छोड़कर जाऊं तो क्या करोगे? मैं सबका ख्याल रखूंगा भैया। मेरी जायदाद को और परिवार को अच्छे से देखभाल करने वाले वैसे ही तुमको और तुम्हारी घरवाली का मैं अच्छे से देखभाल करूंगा। भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? सन्मुखाम, मेरे पूरे बिजनेस के वारिस तुम ही हो, और तेरी पत्नी का इकलौता अधिकारी मैं हूं। साले, इसके ऊपर हाथ था। मैं बचपन से ही तेरे साथ रहा हूँ, कहता तो जान देता मैं, पर तूने मांगा क्या? मेरी पत्नी को ही? मैं भी तेरी पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ, मेरे पास उसे भेजेगा क्या? अपनी औकात में रहियो समझा, नहीं तो तेरी बोटी बोटी कर दूंगा साले। और तुम जैसे इंसान हमारे नेता है, मेरा साया भी तुझ पर ना पड़े। किसी की पत्नी पर हक जताएगा तो उसका तो खून खौलेगा ही, तुझे देखकर ही पता चलता है गंदगी भरी है दिमाग में। चलो सन्मुखम, यहाँ खड़ा रहना ही पाप है, चल। कुत्ते किया, क्या समझता है खुद को ये? जिंदा जला दूंगा ऐसे में। सुनो, तेरा काम करने वाला मेरे साथ सोएगा बोलेगा तो मैं भी उसके साथ जाकर बिस्तर में सो जाऊं क्या? तुम भी आके देख लेना, तुम जहर पीकर मर क्यों नहीं जाते? ठू। क्या हुआ जी, परेशान क्यों है? काम नहीं है क्या? अरे नहीं नीला, वो कमल भैया ने जो बोला ना उस दिन, वो मैं अभी तक भुला ही नहीं पाया। मुझे रात में नींद भी नहीं आती। उस बेशरम इंसान की बात सोचकर क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हैं? काम पर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। नीला, वो पलानी भैया अपनी दुकान किराए पर दे रहे हैं, अगर वो हमें मिल जाए तो मालकिन तुम ही हो। आपको रोज काम मिलता रहे उतना ही काफी है, सपनों वाले सेब से सच का आंवला ही ज्यादा अच्छा होता है जी। तुम भी ना, क्या सेब क्या आंवला। क्या हुआ जी? कितनी बार कहा है बीड़ी मत पिया कीजिए। नीला, सिस्टर इसको आईसीयू के लिए रेडी करो। ठीक है सर। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहना, ठीक है? ओके डॉक्टर। ठीक। देखो बेटी, सीवियर अटैक, एंजियोग्राम करके देखते हैं। एक्चुअली बेटी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, पहले 20,000 रुपए पे करना होगा, उसके बाद आगे का देखते हैं। ये सारे टेस्ट करवा लेना, तुम्हारे पति की कंडीशन बहुत सीरियस है, तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो हमारे लिए जान बचाना मुश्किल होगा।
दो घंटे में एक बार ये दवाई दे देना, नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल होगा। ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारा पति जिंदा नहीं रह पाएगा। जल्दी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ, ओके? इतने पैसे कहाँ से लाओगी तुम? एक काम करो, इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ तो बिना पैसे का इलाज होता है। मैंने वहाँ भी पूछ लिया, हार्ट ऑपरेशन के लिए वहाँ कई लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर हमने उनका इंतजार किया, कहीं मेरे पति को कुछ हो ना जाए। नीला, नीला मत रो। कुछ नहीं है नीला, नहीं तो दे देती। दो महीने से काम ही नहीं है बेटा। यहाँ पर तो किसी के पास भी पैसे नहीं, अब मैं क्या करूँ? इस गांव में सबसे अमीर तो कमल भैया की पत्नी ही है। तुम चलो मेरे साथ, शायद वो कुछ मदद कर दे। ठीक है, आ जाओ। सब सामान रख लिया, जाके गाड़ी में बैठो। अरे इसको लेके क्यों आए हो? दीदी इसके पति बीमार हैं, ऑपरेशन कराना है, आपसे मदद मांगने आई है। दीदी कुछ हो सकता है तो मदद कर दीजिए ना दीदी। क्या पैसा चाहिए? इस वैश्य की वजह से मेरे पति हॉस्पिटल में पड़े हैं। बेशरम होके मेरे सामने खड़ी हो। सुनो, अगर इसके बाद इस गांव में दिखी तो वहीं काट डालूंगी। लेके जाओ इसको। ड्राइवर गाड़ी चलाओ, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। देखो तुम्हारे हस्बैंड की हालत बहुत सीरियस है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। दूध ले लो, दूध ले लो। दीदी दूध। कुछ भी नहीं है, ये क्या कर दिया मैंने? शनमुखाम, दूध में हॉर्लिक्स मिलाकर दे दूं, पिएंगे ना? शनमुखाम, ये कहां गए? शनमुखाम, शनमुखाम कहां जा सकते हैं? शनमुखाम ये क्या कर रहे हैं आप? शनमुखाम, मेरे बारे में तो सोचते नहीं, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है ना नीला, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द दिया है ना नीला। मुझे जाने दो नीला। तुमको छोड़कर मैं कैसे जी सकती हूँ? पहले गले से वो फंदा निकालो, वरना मैं भी यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। नीचे आओ, नीचे आओ। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता नीला, मुझे मर जाना चाहिए। ऐसा मत बोलो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी।
इसे कहां से लाऊं नीला? चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी, चाहे जान देनी पड़े। अब क्या करने वाली हो? कूली का काम करने जाऊंगी। कूली का काम? 50-100 रुपए लेके बचा लोगी तुम? बोलो, तब तक तुम्हारे पति जिंदा रह पाएंगे क्या? बताओ। एक बार ऐसे ही मुसीबत में मैं भी पड़ी थी। मुझे मेरे माँ बाप को बचाना था, बहन को भी पढ़ाना था, इसलिए मुझे धंधा शुरू करना पड़ा। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। आज वो लोग खुश हैं, जब मैं उनकी खुशी को देखती हूँ तो अपना सारा दर्द भूल जाती हूँ। लोग कहते हैं कि यमराज से लड़के भी अपने पति की जान वापस ले आई थी सावित्री। अपने पति की आशा पूरी करने के लिए उसे अपने सर पर लेके एक वैश्या के घर गई थी नलायनी। अब तुम क्या करने वाली हो? देखो नीला, मैं बस तुम्हारे आंसू ही पोंछ सकती हूँ। तुम उसको हमेशा के लिए मिटा सकती हो। तुम्हारा पति जिंदा रहेगा, ये फैसला तुम्हारा। मेरी जान और जिंदगी बस तुम ही हो सन्मुखम। एक माँ का खून बच्चे के लिए दूध बन जाता है। तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने शरीर को भी बेचना पड़े तो मंजूर है। तो क्या फैसला किया? आप दिखाती हूँ तुझे कैसे खेलना चाहिए। आपसे कौन पंगा लेगा? दीदी अब आप खेलिए। देखा, तेरा राजा गिर गया, अब तुम भी डालो। 5 डाल के सीढ़ी से ऊपर जाऊंगा। आप खेल बदलने वाला है। वेंकटेश, महेश्वरी, इसको ले जाओ। अब आप खेलिए। यहाँ कौन सुख से आता है? यहाँ आने के लिए हर किसी की कोई ना कोई वजह होती है। अब हालत ही ऐसी है, रेट ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, शादी भी हो चुकी है। कुवारी लड़की को भेजने पर 1000 नुक्स निकलते हैं। पैसा देने के लिए रोते हैं ये लोग। धंधा करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्या कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते ना। एक यही तो है हमारा। कविता, ठीक है कल से लेकर आओ इसे। जाओ। जी दीदी। क्यों केपीआर, वो एमएलए पूछता रहता है, इसे भेज नहीं सकते क्या? माइनर, भेजने वाले और खरीदने वाले को थोड़ा इंतजार कराना सही है, अपना धंधा अच्छा चलेगा, थोड़ा इंतजार तो करो। ए, तुम लोग इस खेल में मत फंसो, जाके अपना खेल शुरू करो, कस्टमर वेट कर रहे हैं, जल्दी जाओ। 3 क्या बात है। पता है तुम पर गांव के सभी लड़कों की नजर है। हमारी शादी हो रही है और वहां वो जलकर राख हो रहे हैं। सभी की नजर उतारनी पड़ेगी ना। आओ। सर जी, फ्रेश माल है। अरे सबको तो फ्रेश ही फ्रेश बोलते हो। कितनी सारी को भेजा मैंने, एक से तो तुम शादी भी कर लिया, विश्वास करिए सर जी। अरे जल्दी से भेजो ना उसे। 1/2 घंटा दीजिए, अभी भेज रहा हूँ। कितना देगा वो? 3000 देगा बोला, उसमें से 300 पीए को देना पड़ेगा, ड्राइवर को 100 देना है, पुराने ब्रोकर को काटने के लिए 500 देना होगा, रास्ते में पुलिस पकड़ा तो उसको 200 देना पड़ेगा, वॉचमैन को 100 देना होगा, तुमको भी तो देना है। इस सबको सेटअप करने के लिए मुझे भी तो 500 मिलना चाहिए ना, इतना तो बनता है ना मेरा भी।
अबे माइनर, ये लड़कियां हमारे पास भरोसा करके आई हैं। कम से कम 3,000 तो मिलना चाहिए। फ्रेश है, पूरी नाइट रहेगी, बल्कि 5,000 मांग लो उससे। हेलो सर जी। क्या है बे? अरे रेट हो जाएगा ना। हाँ ठीक है सर जी, ठीक है भेज रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं, इस लड़की का नसीब है। मैं जाके गाड़ी तैयार करता हूँ। जाके गाड़ी रेडी करो। नीला इधर आओ, आ जा बेटा। देखो पहली बार जा रही हो, तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये धंधा ही ऐसा है कि बुरा लगेगा ही, धीरे धीरे तुमको सब समझ आ जाएगा। शादीशुदा नहीं है तो प्रेमिका की तरह रहना, शादीशुदा है तो रखेल जैसे रहना। मेरी बात समझ रही हो ना? पति से प्यार करने वाला भी दौलत विल में ही लिख कर देता है, लेकिन तुम जैसी लड़की पसंद आ गई तो सब तुम पर नछावर कर देगा। यही तो इस धंधे की खासियत है। क्यों तुम्हारा चेहरा हमेशा दुखी रहता है? मन में जितना भी दर्द हो, चेहरे पर हमेशा हंसी होनी चाहिए। गोदावरी, गोदावरी। हाँ, आई दीदी। क्या काम है दीदी? इसको अच्छे से खूब सजा कर लेकर आओ। चल जाओ बेटा, जाओ, आ जाओ। देखो जरा तुम कितनी सुंदर लग रही हो, आओ चलते हैं आराम से। हे भगवान, कहाँ छुपा के रखा था इस खूबसूरती को। क्या नाम बताया था तुमने? नीला। नीला, तभी तो कस्टमर से ज्यादा पैसे मांग पाएंगे हम। छोड़ो, खूब सारे पैसे कैसे आएंगे देखना। तभी तो कस्टमर से ज्यादा पैसा मांग पाएंगे हम, खूब सारा पैसा आने वाला है देखना। लक्ष्मी हो तुम। ठीक है जाओ। नहीं नीला रुको, इस धंधे के लिए इसकी जरूरत नहीं है। धंधा करने वाली को कभी भी बुला लेते हैं। तुम्हारे लिए आदमी कौन है जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए हर रोज शादी है, हर दिन सुहाग रात। तुम्हारा सजना कम हो सकता है, लेकिन खूबसूरती कम नहीं होनी चाहिए। कहीं भी जाओ, शादीशुदा नहीं हो। अरे केपीआर, आदमी कितनी भी बार शादी करे, हर एक को पहली ही बोलता है मेरी तरह। अरे तुम, ठीक है तुम जाओ। अरे नीला हो ना, आओ। क्या बात है? आओ। ओ। अरे बहुत ही सुंदर हो तुम। आओ, अपने हाथ से मेरे बटन खोलो। सोने की मूर्ति हो तुम, बहुत ही सुंदर। जाना है,
अरे फुल नाइट की बात हुई है ना? बस 10 मिनट में आ जाऊंगी। अच्छा। शनमुखम, ये रहा दवाई। आराम से। अरे तुम आ गई वापस? अरे तुम्हारी जैसी लड़की के साथ रहने की बात ही कुछ और है। सेहत के लिए ठीक नहीं होता, फिर भी बाहर का खाना स्वादिष्ट लगता है। केपियां मेरी गुरु बन गईं। उसके बाद उनके दिए हुए घर में मैं और सन्मुखम रहने लगे। बहुत सपने देखती थी मैं, लेकिन न जाने किस रास्ते पर चल पड़ी। ये दवाई लाना है आपको शनमुखम, मैं अभी आई। पैसा दीजिए। ₹700 कम है इसमें। हम लोग देख लेंगे, चाहे तो आप घर जाके वापस आ सकती हैं। और एक बात, आते वक्त ये दवाई लेते आना, भूलना मत। दाम देके सिर्फ पढ़ सकते हैं, हम खरीद नहीं सकते। मुझे अभी जाना है, कल आखिरी दिन है, मुझे राशन लेने जाना है। राशन में दाल चावल लेना है। मैं चलती हूँ नीला। कविता, मैं भी चलती हूँ, तुम्हें राशन खरीदना है और मुझे दवाई। आइए सर, नमस्ते। अपना हिसाब कहाँ है बे? सर लड़कियाँ अभी अभी आई है, बोनी भी नहीं हुआ है। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कल वाला हिसाब कहाँ है? अरे सर, बड़े सर भी इतने जल्दी नहीं मानते सर। क्या बोल रहे हो तुम? तुम दुकान वाले और मैं कस्टमर नहीं हूँ। तुम उन लोगों से मांगो, मैं तुम लोगों से लूंगा। सर क्यों फालतू की बात कर रहे हो? पैसे लो, यहाँ से फूट लो, चलो। इतनी देर से क्यों चुपचाप खा रहे हो? पहले ही दे देता। जाओ ना नीला, ये टॉर्च लाइट पकड़ो। पुलिस वाले भी सब बकरी जैसे हो। इनको जो तुम देख रही हो, ये सब लोग हमारे ब्रोकर हैं। ये सीधा पार्टी के पास जाने जैसा नहीं है, यहाँ हम लोगों को खुद डील करनी पड़ती है। ये टॉर्च लाइट हमारा साथी है, समझ गई ना? लॉरी आते वक्त इस टॉर्च लाइट को ऐसे जलाओ, जैसे ही लॉरी पास आए पूरे बदन पे ऐसे टॉर्च मारना, उसके बाद चेहरे पे ऐसे करना, ऐसे जला के ही रेट बोलते रहना, 200-300। लॉरी वाले को मंजूर नहीं होगा तो वो फिर हेडलाइट को डिम डिम करेगा। हम टॉर्च लाइट से ही सब बात करके सेटल कर लेते हैं। इस बीच में ब्रोकर आएगा, उसको भी हिसाब देना पड़ेगा। बीच में पुलिस वाले आए तो उनके साथ तो मुफ्त में सोना पड़ेगा। लॉरी आ रही है, टॉर्च लाइट जला के बुलाओ, चलो। Mm-hmm.
लेट होके है ना? ठीक है तो चलें। बड़ी मस्त आइटम हो तुम। ठीक से लेट जाओ, मेरी तरफ देखो ना, कहाँ देख रही हो? ये लो, पकड़ो इसे, लाश की तरह सोइए। धंधा करने से पहले ये सब पता होना चाहिए। पैसा बर्बाद करने क्यों आती हो इस धंधे में? वो हर दिन मर मर के जी रहे हैं। कैसे बचाऊं समझ ही नहीं आता। नीला, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मेरा एक फ्रेंड है गणेश, वो उस हॉस्पिटल का इंचार्ज भी है, वो ऑपरेशन के लिए आपकी जरूर मदद करेगा, आप निश्चिंत रहिए। शनमुखम, आप बिल्कुल मत डरिए, सब ठीक हो जाएगा। आप देखना शनमुखम, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, भरोसा रखिए, ठीक है? नीला, इनका ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम निकलो, बाद में मिलते हैं। ए, तुझे ठीक लगता है क्या ये? क्या बोल रही है? आएगी ना बोल के, नहीं आई तो कैसे होगा, जानती है ना? अरे क्यों चिल्ला रही हो दीदी, क्या रक्तदान करके आऊंगी बोल के छोड़ दिया क्या? धंधा ही तो कर रहे हैं हम लोग, आप ब्रोकर का ही काम करते हो ना, अब इसमें क्या वादा क्या न्याय, मैं उस इंजीनियर के पास नहीं जाने वाली। अब तो बोलेगी, क्या पहले नहीं सोई उसके साथ? अरे क्या बहस कर रहे हो तुम दोनों, वहाँ कस्टमर इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ खड़ी हो। भैया पूरी दुनिया में सिर्फ यही तो है, भाव खाती रहती है हमेशा, तू भी इसे ही चढ़ा रहा है, सब समझ रही हूँ मैं। जरूर लुक्खा लेकर आई होगी, अपना कस्टमर जब एक बार आता है तो कहीं जाता नहीं है, सच कहूँ तो पैसों की बारिश कर देता है, तुम्हारी तरह नहीं है। देख पलानी, कुछ समय से देख रही हूँ मेरा रास्ता काट रहा है तू। ए, अपना काम कर, जया तुम चलो। पलानी भाई, मैं रेडी के पास भी नहीं जाऊंगी, समझे, तुम निकलो। क्यों, क्या हुआ, जो पैसा मांगते हैं वो देता तो है ना, अब चलो। एक काम करो, उसका पैसा उसके मुंह पर मार दो। सुन, पार्टी पसंद ना आए तो बोल देना, उसकी बेइज्जती तो मत कर। बेइज्जती का क्या है, उसके साथ घर थोड़ा ही बसाना है तुमको, ज्यादा मत बोलो, चलो। ओ, देखो नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी, मेरा दूसरा पार्टी आने वाला है, तुम निकलो। क्या कहा जया, मजाक कर रही हो, जानती है ना सुंदरेश केपीआर पार्टी का है, केपीआर को पता चल गया ना तुझे छोड़ेगी नहीं, चल जल्दी चल। केपीआर के दो सिंह है क्या, अरे वो भी तो पिंप ही है, जाके बोल दो उसको नहीं आऊंगी, चलो निकलो यहाँ से। क्या हुआ रे तुझे आज, मुझे भी मना कर रही है, इसके साथ भी नहीं जा रही, कोई बीमारी तो नहीं हो गई? ए, बीमारी मुझे नहीं, हाथ भर के पैसा देंगे, अच्छा कस्टमर बोल के ले जाते हो, वहाँ लोगों के दिमाग में बीमारी है, देखना है, आँख खोल के देखो, देखो कैसे सिगरेट से जलाया है। तुम्हारा धंधा चलाने के लिए हम अपने आप को जला लें, बोलो। कैसा आदमी है वो, ये सब सुंदरेश ने किया? हाँ दीदी, वो अपनी पत्नी का गुस्सा उसके ऊपर नहीं दिखा सकता, उसी का कपड़ा पहना के गजरा लगाने को बोलता है और सिगरेट से जलाता है। ठीक है, सुंदरेश के पास मत जा, इंजीनियर के पास तो जा सकती है। सुंदरेश तो बदन को ही जलाता है, लेकिन तुम्हारा इंजीनियर तो दिल को जलाता है, अपनी पत्नी को सामने बिठाकर सब करता है, ऐसा क्या पाप किया है मैं नहीं जानती, लेकिन कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रही हूँ। जया, रह के होया जया, क्यों गुस्सा कर रही है? आगे तुम, शहर से बाहर जा रहा हूँ, 10 दिन बाद आऊंगा बोल रहे थे। सामान किसी और गाड़ी में भेज दिया। क्यों? दिल में बस तुम ही तुम बसी हो, इसलिए सब कुछ कर लिया लेकिन बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया। हाँ क्यों नहीं, क्यों, बॉर्डर के बाद आंध्रा वाली टॉर्च लेकर खड़ी होती है के यार, वे लोग तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, इसलिए गाड़ी रिवर्स करके आया ना। अच्छा प्यार है। अब देख, इसका नाम क्या है मैं नहीं जानता, बस अपने दिल की बात बोल रहा हूँ तुझसे,
थोड़ा। तेरा भी कोई नास है, मेरा भी कोई नास है, बस शादी कर ले मुझसे। क्यों, बीच में आते जाते रहने से मन नहीं भर रहा? छे छे, तू गलत समझ रही है। तुम्हारे बदन के लिए नहीं, थारा दिल चाहिए बस। जया, मैं तो उसे घना प्यार करूं। क्या सच बोल रहे हो तुम? यू सच है जया, मुझे मंजूर है। रोना नहीं जया, आज के बाद कभी ना। हे भगवान, आज तक यहाँ की सारी लड़कियों को पैसा कमाने के लिए एक लाश के समान खड़ा हुआ देखा था, तुम तो उसे एक इंसान मानकर एक जिंदगी दे रहे हो। तुम बहुत बड़े इंसान हो। सुन जया, अब चढ़ते हैं। चढ़। टॉर्च वाली जया ने तो किसी के घर का दिया ही जला दिया। खुश रहो, यहाँ तो बस बुझे हुए दिए बचे हुए हैं, इनसे तो क्या ही उम्मीद करें। अब धंधा थोड़ी छोड़ सकते हैं, अगली टॉर्च लाइट ढूंढनी पड़ेगी। सर। हाँ, आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मेरा नाम नीला है। आइए ना, बैठिए बैठिए। नमस्ते सर। आओ ना देवा, आओ ना बेटा। ऑपरेशन अच्छे से हो गया ना? सब अच्छे से हो गया। हाँ। आज डिस्चार्ज कर रहे हैं सर, आपके मदद से ही मेरी पत्नी ठीक हो पाई है सर। इसमें क्या है देवा, इंसान ही इंसान के काम आता है। मेरी पत्नी के ऑपरेशन में मदद करने के लिए मैं आपके लिए ये लाया हूँ सर। इसकी क्या जरूरत थी? अरे अच्छा ठीक है, आप लोग निकलिए, मुझे इनसे जरूरी बात करनी है। बहुत अच्छे डॉक्टर है, एकदम भगवान जैसे। सर, क्या मैं अपने पति को लेकर यहाँ आ जाऊँ? तुम्हारे पति को हमारे डॉक्टर ही देखेंगे, मुझे तुमसे ही मिलना है। देखो, एज ए इंचार्ज मेरे पास एक कोटा है, तुम्हें एक रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, सारा खर्च मैं ही उठा लूंगा। वहां क्यों खड़ी हो, इधर आके बैठो ना। बिल्कुल चिंता मत करो, अपना ही घर समझो, आओ ना मेरे पास आके बैठो ना। आ जाओ यहाँ आके बैठो ना, पेशेंट ही बैठ सकता है यहाँ, ऐसे थोड़ी लिखा है, बैठो ना तुम। पास आओ ना, पास आके बैठो। हाथ में ये कौन सी रिपोर्ट है, लाओ मुझे दे दो सब। नहीं नहीं, क्रिटिकल कंडीशन, फिर से स्कैन करना पड़ेगा। बहुत सारी बीमारियां, सबके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? देखो, जो थोड़ी देर पहले आया था उससे जो कुछ हो सकता था उसने किया। तुमसे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं, तुम तो ये जानती हो ना। सुन रही हो ना? सही समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है, पति को बचा भी लोगी, समझ रही हो ना? ज्यादा मत सोचो, हाँ बोल दो। तुम भी घटिया निकले, लगता है समझ गई। लेकिन ये बात मेरे फ्रेंड बाला को मत बताना। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उसके दोस्त कैसे हो सकते हो तुम? वेरी गुड। ऑपरेशन वो लोग संभाल लेंगे, तो मुझे संभाल लो प्लीज। हाय गणेश, हो गया क्या? हो गया। शनमुखम कैसे हैं अब? अब ठीक है। क्या बोला डॉक्टरों ने? बोला है कि 10 दिन में उठकर चलने लगेंगे। थैंक यू। थैंक्स यार, तुमने बिना कोई फीस लिए इन दोनों की बहुत मदद की। छोड़ो ना, सब कुछ मदद ही तो है, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था।
ठीक है, मदद के लिए एक लेडी मेरा वेट कर रही है, मैं जाके मिल लेता हूँ। और एक बात, इसके जैसी कोई और मदद के लिए हो तो मेरे पास जरूर भेज देना। बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक्स यार। ठीक है, समाज सेवा करने से बहुत खुशी मिलती है। शनमुखम, शनमुखम कैसे हैं आप बताइए, कैसा लग रहा है अब? बिल्कुल चिंता मत करो आप, ओके? आज से 10 दिन के बाद अच्छे से चल फिर पाएंगे आप, ओके? भैया आप मेरे लिए भगवान हो। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है शनमुखम, सब ऊपर वाले के हाथ में है। आप भगवान को धन्यवाद बोलिए। नीला आप इनका अच्छे से ख्याल रखिए। ध्यान रखूंगी। रूम साफ करना है, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। और सुनो नीला, मद्रास में एक नया ब्रांच खोला है मैंने, वहीं जा रहा हूं। आपको कोई मदद चाहिए तो बताइए, कुछ पैसा चाहिए आपको? नहीं, आपने अभी तक जो भी किया है मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, आपका प्यार नहीं लौटा पाई। आप भी मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं जानता था कि आप शादीशुदा हैं। भगवान का इरादा कौन बदल सकता है। और अब तो प्यार दोस्ती में बदल चुका है। ओके नीला, मैं होकर आता हूं। वेश्याओं का अरेस्ट। अरे ये लोग इतने छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना के क्यों छापते हैं दीदी, क्या मिलता है इनको? पेपर भी तो बिकना चाहिए ना, वो लोग ऐसे ही हेडलाइंस डालते रहेंगे, हमारा धंधा बढ़ता रहेगा। तुम अब तक नहीं निकली, वो वेट कर रहा होगा। 1 घंटे बाद आने को बोला है दीदी। अच्छा ऐसा है दीदी, ये देखो आज से लॉरी स्ट्राइक चालू हो गया। क्या बोल रहे हो, लिखा है देखो KPR। दीदी दीदी ये लो, सब वापस आ गए। आइए आइए, लॉरी बंद है इसलिए इस KPR की याद आई तुम्हें। कोई बात नहीं, सब लोग अपने ही हैं। क्या बात है, सब एक साथ आए हो? बहुत मुश्किल हो रहा है दीदी, इसलिए थोड़ा पैसे लेने आए थे। लॉरी स्ट्राइक चल रहा है, आप तो जानते ही हो, हमारे लिए आपके अलावा मदद करने वाला कौन है दीदी। गोदावरी, इन सबको थोड़ा पैसा दे दो। और सुनो, 10 रुपया ब्याज देना पड़ेगा और मैं जहाँ भेजूंगी वहीं जाना पड़ेगा, समझ गई ना? ठीक है दीदी। हाँ। बेटी नीला, तुम बहुत जिद्दी हो, अपने पति की जान तुमने बचाई ली। मत पिया कीजिए, फेंकिए इसे। नीला, अरे कहाँ गायब हो गई हो, हाईवे पे तुम दिखाई नहीं देती। बहुत बड़ी पार्टी है, 2000 मिलेंगे, चलोगी क्या? मैं वो काम नहीं करती। तुम्हारा यही तो काम था।
नहीं तो केपीआर दीदी बुलाएगी तो जाओगी ना। कोई भी बुलाए, कुछ भी हो, मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी। वो नीला मर चुकी है। आओ शनमुखम चलते हैं। भैया दो प्लेट इडली दीजिए। भैया मैं पूड़ी लूंगा। अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, तेल वाला खाना मत खाइए। भैया इडली दीजिए। सुनिए बच्चे को भूख लग रहा है, जल्दी जाके चार इडली लाइए। रुको अभी लाता हूँ। अरे सुनो चार प्लेट इडली पार्सल कर देना। हाँ अरे सुनो नीला, बहुत दिन से नहीं मिली, कहाँ गायब हो गई थी? मेरी पत्नी गांव जाने वाली है, उसको मैं बस स्टैंड तक छोड़ने जा रहा हूँ, रास्ते में मिल जाना, अच्छा पैसा दूंगा। तुम क्यों घूर रहे हो, तुम्हारी बीवी है क्या? अरे उस एमएलए को बहुत मजा आया बोल रहा था। माँ क्या बकबक कर रहे हैं, गाड़ी का टाइम हो गया, जल्दी आइए। अरे रुक जाओ मैं अभी आया। ये क्यों परेशान हो रहा है, कस्टमर को थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। अच्छा मेरी पत्नी बुला रही है, रात में जरूर आना, पैसा ज्यादा ही दूंगा, ठीक है ना? अरे तुम वो दिखता नहीं है क्या, धक्का देके जा रहे हो, देख के चलो ना। बात यह है कि हम दोनों ने एक साथ बहुत समय से खाना नहीं खाया। नीला तुम्हारे हाथ में तो कुछ अलग ही स्वाद है। अरे पार्सल दे दो। नीला रात को मिलते हैं, भूलना नहीं। क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, अब हम इस गांव में नहीं रह सकते, कहीं और चलते हैं, ठीक है? अरे उस एमएलए को बहुत मजा आया बोल रहा था। दूसरे गांव जा रहे हैं, इतना चुप क्यों बैठे हैं? लीजिए ये खाइए, कुछ तो बोलिए ना, हो क्या गया है आपको? वहां देखिए हमारा जो बच्चा होगा ना आप जैसा होगा। उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी, उर्वशी उर्वशी उर्वशी। अरे नीला, ऐ नीला, ए उठ बैठिए, कहाँ जा रहे हैं आप? नीला ने बोला तो ठीक है, तुम यही बैठो, बैठो डार्लिंग, मुझे नहीं पहचाना? मेरी पहली बार है बोली थी तुम, पहले आदमी को ही भूल गई तुम क्या? यार कुछ लोगों के साथ सोने का अलग ही मजा है, लेकिन तुमको देख के अलग ही मजा आ रहा है। मैं तुमको ढूंढ ही रहा था, मैं तो कुछ नहीं भूला हूँ, तुम बहुत याद आती हो, तुम्हारा जो तिल है मुझे याद है अभी भी। मैं कुछ भी दे सकता हूँ नीला, वो दिन अभी भी मेरे दिलो दिमाग में छाया हुआ है। अभी भी बस तुम एक बार हाँ बोल दो, मैं तुमको यहीं से लेकर अपने साथ चला जाऊंगा। अरे मेरे दिल की रानी बना के रखूंगा तुम्हें नीला, अरे तुम्हारे लिए तो मैं रात शनमुखम। गाड़ी रोक शनमुखम।
शनमुखम रुको, शनमुखम, रुको शनमुखम, कहाँ जा रहे हो? इस गांव में ही नहीं, किसी भी गांव में कोई भी तुझे पहचान लेगा। ये सब देखने और सुनने से पहले मैं उसी दिन मर जाता। तू ही मुझे खत्म कर देती, वही ठीक रहता। जो किसी पराए मर्द पर नजर उठाकर भी नहीं देखती, वो होती है पत्नी। 10 लोगों के साथ सोने के बाद, इतनी बेशर्मी के बाद तुम मेरे साथ जीने चली हो? क्या ये होता है पत्नी धर्म? ए, कैसी पत्नी हो तुम? तुझे गाली देने का मन कर रहा है, गाली? मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। एक बार बोलने से पहले सोच तो लेते, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। चुप, बस करो। मैं अब बोल रहा हूँ, तुम अगर कुछ हो तो सिर्फ एक वैश्या। अगर तुम मुझे एक ऐसी जिंदगी दे रही है तो पता है लोग मुझे क्या कहेंगे? वो मुझे दलाल कहेंगे, दलाल। तू तो एक कुतिया से भी गई गुजरी है, ना जाने कितने लोगों के साथ सोई है। बैठो। पत्नी धंधा कर रही है, जानने के बाद हर मर्द को गुस्सा आता ही है। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, काम होने के बाद छोड़ के चला गया। उसकी वजह से बिना खाए पिए ऐसे ही पड़ी रहोगी क्या? तुम्हारा पति कहीं नहीं गया है, वो अपने गांव में ही है। सच में? सच में, जाके देखाओ, चलो। अरे रुको, आराम से। अरे नीला सुनो, आराम से जाना, उसको साथ लेकर आना। मुंह मार लिया? मेरे लिए तो मर चुकी हो, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वापस आई हो, इतना सब होने के बाद और क्या चाहती है तू? करो गुस्सा, खूब गुस्सा करो, गलती मेरी ही है। मानती हूं मैंने गलत रास्ता चुना। चलिए ना, अब घर चलते हैं। चलिए, चलिए। हाथ हटा, मार डालूंगा तुझे। औकात क्या है तेरी? अगर वो काम नहीं करती तो आज तुम जिंदा नहीं होते। कोई नहीं, जो भी बात है घर जाकर करते हैं। चलो चलो ना। निकल यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइयो। तेरी सारी काली करतूतें पूरा गांव जानता है। इतने दिन पति को धोखा देकर अभी पत्नी बनने का नाटक कर रही है। चप्पल से मारेंगे, चली जा यहाँ से, नहीं तो मार के भगा दूंगी। अरे मालती, जल्दी आओ। तब से चिल्ला रही हो? देख तेरी सौत आई है तेरे पति को लेने। आ रही हूँ अभी। आके देख तो बाहर, पता नहीं कहाँ से आई है, कैसे आ गई, तेरे पति को साथ ले जाने की बात कर रही है। तुम कौन होती हो मुझसे बोलने वाली? दामाद है ये मेरा। क्या तुमने शादी कर ली? हाँ और क्या, कर ली शादी मैंने। तू कौन होती है पूछने वाली? है कोई तेरी औकात? शनमुखम, पूरे गांव के साथ सोने के बाद तू मेरा नाम ले रही है, अब चल निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होने की? उसी औरत का झूठ खा रही है तू। मेरी बेशरम, किसी के भी साथ पैसे के लिए सोने वाली वेश्या है तू। अपना मुंह मत दिखाना हमें। मेरी पत्नी पे हाथ उठाया तूने?
कुछ औकात नहीं है तेरी। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। किसकी पत्नी? तुम जाओ अपना काम करो, इसको तो मैं बताती हूँ। आ गई मुंह उठा के यहाँ पे। अरे मार के बाहर फेंको इसे। तुम जाओ, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। शन्मुखा, शन्मुखा, मेरी बात सुनो शन्मुखा, ऐसा मत करो, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। जा कहीं जाके मर जा। शन्मुखम, 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 इसको तो मैं बताती हूँ। और क्या शन्मुखम शन्मुखम कर रही है? बाजी को मर जाना के किसी के साथ सोने वाली, मेरा पति चाहिए तुझे। तुझे आज मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ मत इसे आज। ये आज कहाँ से गई? आज ये बच के जाने में बेशरम, बेहया, बेहया, किसी के भी साथ सोने मेरी पैसों के लिए बात करने की। वापस अपने शक्ल में दिखा ना हमें। जा यहाँ से, दफा हो जा। वापस आएगी तो काट के फेंक दूंगी। जाके मर जा साली, यहाँ आने। बस करो नीच जाति वाला, हमारी जाति की बात हम खुद देख लेंगे। तुम्हारी जाति की नीला को वैश्या बना दिया था ना तुमने, उस केपीआर से जाके पूछो वो किस किस के साथ सोई है, पता चल जाएगा। शर्म नहीं आती? अरे जाके मर जाओ साले। थो। अबे मुझे सन्मुखाम के घर ले चलो। भैया सन्मुखाम खुद आ रहा है। सब कुछ किया मैंने और तुमने मुझे छोड़ने के बाद क्या करूं जिंदा रहकर? जिंदा जलाने का मन कर रहा है मेरा। आइंदा कभी दिखे तो वहीं के वहीं राख कर दूंगा उसको मैं। अगर वो मेरे सामने आए तो जला दूंगा उस बदजात को मैं। मैं आपका भाई हूं भैया, मेरी जिंदगी उसने नरक करके छोड़ दी भैया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भैया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या करोगे तुम? हाँ क्या करोगे, सबके सामने बेइज्जती। छोड़ो बस हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया मैं, उसने सबके सामने बेइज्जती कर दी मेरी। मैं बस देखता रहा, कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हारी भलाई के लिए ही वैश्या बनने के बाद दूसरी लड़की से मैंने शादी करवाई, लेकिन उस नीला की वजह से मेरी इज्जत ही खत्म हो गई। पार्टी मीटिंग में आके मुंह पे थूका वो एमएलए। मैं आपका भाई हूँ, मैं सब संभाल लूंगा भैया। सबके सामने थप्पड़ मारा। उस बदजात को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब आप जब बोलो वो आपके साथ वैसे ही सोएगी।
मुझे बचाने के चक्कर में वो मजे ले रही थी। अगर अपने सुख के लिए कर रही होती तो तुम्हें बीमारी में अकेला छोड़कर भाग भी सकती थी। तुमको जिंदा रखने के लिए मैंने किया, कुछ नहीं किया। अगर तुम नहीं समझ सकते तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे मरना है बस। तुम लोग निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे मरना है। नहीं भैया, मैं आपके लिए कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसे जान से मार दूंगा, उसको आसानी से, सिर्फ चाकू से ही नहीं मारूंगा मैं। हाँ, यहाँ यहाँ जितने लोग हैं वो सब के साथ सोएगी, उसे हम दर्द दे दे के मारेंगे। एक कुतिया की मौत मरेगी वो। तुम्हें जिंदा रखने के लिए मैं हर दिन मरती रही। तुम्हारी जिंदगी मेरी अमानत है, अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। एक ही बार में जान निकल जानी चाहिए। मैंने तुमको जिंदा रखा, तुम्हारी माँ ने तुमको कोख में पाला होगा। मैंने अपना बदन बेचकर हर एक दिन तुमको पाला, मैंने अपनी जान बचाने के लिए मुझसे धंधा करवाया, और ठीक होते ही मैं वैश्या बन गई। अपने पति के लिए पत्नी किसी के साथ भी सोएगी, और अगर उल्टा बोलोगे तो तुम्हारी जान भी ले लेगी। ये तो नीला है, यहां इस वक्त क्या कर रही है? उठो नीला। हाँ, तुम्हारी नीला। तुम मुझे बहुत चाहते थे ना, इतना प्यार था तो मुझे तुम्हारी ही होना चाहिए था। लेकिन क्या कर सकते हैं, तुमने कितनी मेहनत की मुझे पाने के लिए, मेरे साथ सोने के लिए, रखेल बनाने के लिए, मेरे प्यार को मार डालने के लिए शनमुखम से शादी करवाई। क्या नहीं किया तुमने मेरे लिए, और मुझे धंधा भी करवाया, सब तुम्हारी चाहत के लिए, हवस के लिए। और अब मैं उसी वजह से यहाँ आई हूँ, पूरी तरह से तुम्हारी हूँ मैं। क्या मार डाला मैंने
मार डाला। अब तुम्हारी बारी है। बनने की लालच में या दूसरों से मजे लेने के लिए कोई भी लड़की अपनी मर्जी से वेश्या नहीं बनती, लेकिन अपना घर चलाने के लिए, माँ बाप के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए वेश्या बनना पड़ता है। और उसका कारण तुम जैसे वासना से भरे जानवर है। 4 साल की एक नन्ही बच्ची का भी रेप करते हैं तुम जैसे लोग। लानत है। कोई मदद मांगे तो सुनने के लिए 2 कान है, अगर भूख लगे तो खाना देने के लिए 2 हाथ है, पति के पास दिल है और पत्नी के पास उसकी गोद है। ये सब होने के बावजूद तुम जैसे जानवरों की नजर लड़की की इज्जत पर ही क्यों पड़ती है? मेरी तरह किसी की मदद करने या पैसों के लिए वैश्याम बिल्कुल मत बनिएगा, वरना सिर्फ आगे की जिंदगी ही नहीं बल्कि खुद का जन्म लेना कलंक होगा। 10 लोगों के साथ मजबूरी में सोने से अच्छा है कि इज्जत से खुदकुशी कर ले, खुद की जान ले ले। हजारों सालों से हो रही ये वैश्यवृत्ति समाज की नजर में सही है या गलत हम नहीं जानते, लेकिन रोशनी दिखा के आने वालों को उनकी जिंदगी में रोशनी जरूर लानी चाहिए, और यही हमारी आशा है।